हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित कुमार। और आज की इस वीडियो में हम कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि TGT, PGT, GIC, LT, GDC, UPPCS, KVS, RPSC, DSSB, NVS, JSSC और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ महत्वपूर्ण व प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को बहुत ही सरल ढंग से प्रेजेंट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है, तो हम आज अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन इज, मीनिंग देयर बाय कि अगर अल्फा और बीटा किसी भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं तो आपको अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन की वैल्यू को अचीव करना है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं और इन चार ऑप्शंस में आपका एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो चूंकि सेकेंड ऑर्डर की पॉलिनोमियल है तो इसके दो रूट्स होंगे, तो आपको दिया है गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो बाई रूट फॉर्मूला से वी हैव टू सॉल्व एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर फोर माइनस सिक्सटीन बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस माइनस आइटा अंडर रूट थ्री, विच आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। चूंकि हम जानते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रूट्स आते हैं तो उनके रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हो जाते हैं, इसलिए अल्फा की वैल्यू को हम सपोज करेंगे कि अल्फा की वैल्यू है वन प्लस अंडर रूट थ्री और बीटा की वैल्यू है वन माइनस अंडर रूट थ्री। अब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि अल्फा की वैल्यू वन प्लस अंडर रूट थ्री है इसलिए हम इसको टू से डिवाइड करेंगे, तो टू इंटू ब्रैकेट में वन बाई टू प्लस आइटा अंडर रूट थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा टू। चूंकि कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे कॉस पाई बाई थ्री, प्लस साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे आइटा साइन पाई बाई थ्री। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू वन माइनस अंडर रूट थ्री है इसलिए इसमें भी टू से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा वन बाई टू माइनस आइटा अंडर रूट थ्री बाई टू। सिमिलरली इसको भी लिख देंगे टू कॉस पाई बाई थ्री, चूंकि पास कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है वन बाई टू इसलिए इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे कॉस पाई बाई थ्री, एंड रूट थ्री बाई टू की वैल्यू होती है साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है इसलिए इसको साइन पाई बाई थ्री से रिप्लेस करें। चूंकि हमको अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन की वैल्यू फाइंड करना है इसलिए इसको हम लिखेंगे टू टू द पावर एन कॉस एन पाई बाई थ्री प्लस आइटा साइन एन पाई बाई थ्री, और इस टर्म को हमने डिमोवियर्स थ्योरम से लिखा है। सिमिलरली कॉस एन पाई बाई थ्री माइनस आइटा साइन एन पाई बाई थ्री, तो इसको जब रिजोल्व करेंगे तो आइटा साइन पाई बाई थ्री और माइनस आइटा साइन एन पाई बाई थ्री जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे टू एन डॉट टू कॉस एन पाई बाई थ्री, टू एन इंटू टू ये ऐड हो जाएगा पावर्स में तो टू एन प्लस वन कॉस एन पाई बाई थ्री हो जाएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं किसी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए क्यूब के और ए नॉन जीरो है, तो इफ अल्फा एंड बीटा लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इनके इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स के इक्वेशंस दो रूट हैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब के और ए अल्फा कमा बीटा पैराबोला पर लाई कर रहा है तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये UPPGT 2016 में पूछा गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब और हमको
प्रोवाइडेड है कि ए नॉन जीरो है। हमने सपोज कर लिया कि रूट्स जो हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। हमने सपोज कर लिया कि सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स जो लीनियर कोफिशियंट ऑफ लीनियर टर्म्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म्स। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। इसको इक्वेशन वन सपोज कर लिया। और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म। सो यहाँ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म्स वन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लाइज कर रहा है, अल्फा बीटा जो रूट्स हैं वो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। हेंस बीटा पुट करेंगे वाई के प्लेस पे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और अल्फा पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू से, इक्वेशन टू में ये दिया गया है अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब है, तो बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे, और इक्वेशन वन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू अल्फा पुट करेंगे, तो बीटा की वैल्यू अगर अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा प्लस ए माइनस ए हो जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू माइनस टू ए हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको दिया गया है कि बीटा क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, और आपको ये भी दिया गया है कि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, तो जो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा दिया गया है, तो इस बीटा क्यूब को हमने बीटा स्क्वायर डॉट बीटा इंटू इज इक्वल टू ए क्यूब फैक्टर्स कर लिए हैं। क्योंकि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा दिया है, तो बीटा स्क्वायर की प्लेस पे अल्फा लिख लेंगे, और बीटा इज इक्वल टू अल्फा दिया गया है यहाँ पे, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा यहाँ पे पुट कर देंगे और ए क्यूब हो जाएगा। फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे माइनस टू ए निकाली गई है, तो माइनस टू ए अल्फा की जगह पर रख देंगे, तो माइनस टू ए इंटू ए ए क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस टू ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू। अब इसको ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो वी हैव टू फाइंड ए इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज इक्वल टू माइनस टू। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो, तो चूंकि हमने ए की वैल्यू माइनस टू फाइंड कर ली है, इसलिए इस इक्वेशन में ए के प्लेस पे हम माइनस टू पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसको फैक्टर करेंगे तो x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू फोर कॉमा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फोर कॉमा माइनस टू, ये करेक्ट आंसर है। इसलिए आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि इसका आंसर है कि फोर कॉमा माइनस टू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये DSSB 23 सितंबर 2018 का क्वेश्चन है और अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, वेयर a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू c, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस हैं कि रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, सेकंड ऑप्शन है कि रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, सी ऑप्शन है रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट बी इन कॉन्जुगेट पेयर, एंड डी रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर सी है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मतलब आंसर तो सी दिया गया है। देखते हैं कैसे ये सॉल्व किया गया। चूंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, और जो भी कोएफिशिएंट्स हैं वो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हेयर द कोएफिशिएंट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये पॉसिबिलिटी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करें, बट ये जरूरी नहीं है, बट इट नीड नॉट बी दैट कि ये कॉन्जुगेट पेयर्स हो ही, चूंकि एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इट नीड नॉट बी कि ये कॉन्जुगेट पेयर होंगे, तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट बी इन कॉन्जुगेट पेयर। नाउ हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है LT 2018 में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो के नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या हो।
ऑप्शन ए में 4 कहा गया, ऑप्शन बी में 2 कहा गया, ऑप्शन सी में 1 कहा गया, ऑप्शन डी में 0 कहा गया। अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। हमने लिख लिया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लिया। देन मॉड ऑफ एक्स कॉमन लोगे तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4, ठीक है। देन इसको कलेक्ट कर लिया तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 एक में हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को, इन दोनों वैल्यूज को हम जीरो के इक्वल करेंगे। तो सिंस मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो वी हैव टू फाइंड दैट मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन एंड इट कैन नॉट बी अ निगेटिव फंक्शन। एंड सेकेंड मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि मॉड फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हेंस रियल सॉल्यूशन आर 0। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि एलटी 2018 में पूछा गया है। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 जो है वो केवीजीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम नंबर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर ए और बी कोई नेचुरल नंबर्स हैं, कि ए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो आपको ये सजेस्ट करना है, आपको ये बताना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आंसर क्या है ये देखते हैं। तो अगर इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स सच दैट, ये दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी हमने सपोज कर लिया। एग्जाम्पल के लिए अगर ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 2 हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ए भी प्राइम नंबर है और बी भी प्राइम नंबर है, तो 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने सपोज कर लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2 5, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि ए प्लस बी होगी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू भी 5 आ रही है और ए प्लस बी की वैल्यू भी 5 आ रही है। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 जो है यूपीपीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज पॉजिटिव आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर क्या होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे या ना। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर किसी भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए के रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे, ठीक। चूंकि अब आंसर इसका देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया। चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 ए पॉजिटिव है, तो हम इसमें दिया गया है कि इसके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट क्या मीन्स हुआ, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन टू 0, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट 1 माइनस 4, ए का कोएफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और सी यानी कि ए, तो 1 माइनस 4 ए हो जाएगा, इज लेस देन टू, इज ग्रेटर देन टू 0, यानी कि 4 ए इज लेस देन टू 1, मीनिंग देयर बाई ए इज लेस देन टू 1 बाई 4। 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इज लेस देन टू 1, ठीक है। अब 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 ए लेस देन टू 4, 4 यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 0 इज लेस देन टू 16 ए माइनस 4 इज लेस देन टू 0, और ये डिस्क्रिमिनेंट किस इक्वेशन का होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट होगा इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, चूंकि ये इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन टू 0 है, हेंस जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी कि रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन 7।
इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन एंड कैटेगरी ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन यूपी टीजी 2016। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि द इक्वेशन 2x माइनस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन फॉर। किस वैल्यू की के की किस वैल्यू के लिए इसके पास इन दोनों के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है k इज इक्वल टू माइनस 4, बी इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल सी ऑप्शन k इज इक्वल टू 1 एंड डी ऑप्शन k इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, तो लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए जो कंडीशन है नो सॉल्यूशंस की, उसमें ये सजेस्ट किया गया है कि ए वन बाई ए टू यानी कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू यानी कॉन्स्टेंट टर्म्स के इक्वल नहीं होगा। चूंकि आपके पास इक्वेशन है 2x माइनस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ ए वन यानी कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन दिस इज 2 एंड ए वन बाई ए टू यानी कि 6 2 बाई 6, सेकेंड बी वन बाई बी टू तो ये हो जाएगा के बाई 12, डस नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू यानी कि 7 बाई 15, तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 इज इक्वल टू के बाई 12 एंड दिस इज के इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3k। तो जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो राइट आंसर है k इज इक्वल टू 4। तो k इज इक्वल टू 4 के लिए इन दोनों इक्वेशंस के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा।